हाय फोरेंसिक आई से सलमान हाशमी टुडे। जैसा कि आपको पता है कि वी ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड और हम जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका लोगों को एडवाइस देते हैं, उनकी एडवर्टाइज करते हैं और बताते हैं कि फ्रॉड ना हो। एक कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट के अंदर जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा भी सेव है और आपकी वेल्थ भी इंक्रीज हो रही है। तो आज हम पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के हार्ट के अंदर इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद का जो हार्ट है वो बहरिया टाउन है। आपको पता है मलक रियाज इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि इस वक्त आप बाहर के मुल्क में बैठ के अगर किसी को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान तो आप गूगल पे दिखाते हैं और दिखाते हैं बहरिया फेज़ 8। तो जब बाहर के लोग बहरिया फेज़ 8 गूगल अर्थ पे देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये पाकिस्तान है या ये यूरोप है, क्योंकि इंग्लैंड में भी इतना ऑर्गेनाइज कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी जाएँ वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। हम ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो जो बहरिया ने स्टैंडर्ड दिया है नो डाउट कंस्ट्रक्शन का, मटेरियल का, मैनेजमेंट का, रोड्स का कोई इशारे नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, नेचुरली वहाँ इश्यूज भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर बहरिया के आज बैठे हुए हैं, तो सर प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान ज़फ़र, हम एस्पा बिल्डर्स के नाम से काम करते हैं, मैं एस्पा बिल्डर्स का डायरेक्टर हूँ। ठीक, तो अरसलान भाई जो हैं ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर और इनकी जो कंपनी है एवरशाइन प्रॉपर्टी एडवाइज़र एंड बिल्डर है ESPA, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है बहरिया की तरह। बहरिया के अंदर इस वक्त जो नंबर वन ब्रांड चल रहा है अब हाइट्स के अंदर वो ESPA है। इनकी एडवर्टाइजिंग, इनका स्ट्रक्चर, इनका वर्क, इनका ऑफिस, इनका एथिक्स इज़ नॉट लेस देन जॉर्ज विम्पी। इंग्लैंड के अंदर जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिस तरह का उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, ESPA ने भी, जब मैंने खुद विजिट किया और मैंने स्टडी की इसको, आपको पता है मैं खुद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ और मैं ट्रैवल करता हूँ, पहले मैं स्टडी करता हूँ एक चीज़ को, तो जब मैंने इनका स्टडी किया, इनकी मार्केट पता की, तो दे आर रियल पीपल। तो अरसलान भाई बताएंगे कि हाउ यू अचीव ऑल दीज थिंग्स। मैं हम काफ़ी टाइम से, क्योंकि जैसे आपने मलक रियाज साहब का जिक्र किया कि वो एक बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट देते हैं, तो जब फेज़ 8 उन्होंने स्टार्ट किया था तो हम स्टार्ट से ही फेज़ 8 में काम कर रहे थे। तो पहले हमने काफ़ी सारा काम किया प्लॉट्स का और इसमें हमने काफ़ी मतलब 12 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इसका, लेकिन क्योंकि अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको पता हाई राइज की तरफ जा रहा है और फ्यूचर भी इसी चीज़ का है, क्योंकि सारे लोग जो है वो पिंडी इस्लामाबाद इसी तरफ मूव कर रहे हैं कैपिटल की तरफ, तो अल्टीमेटली इतना तो स्पेस भी नहीं है हमारे पास। तो हाई राइज जिस तरह कराची में आपने देखा है कि कराची हाई राइज पे ही चल रहा है, उसी तरह हमने फिर यहाँ पे हाई राइज का ट्रेंड आया तो हमने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जिसमें एवरशाइन हाइट्स है। ठीक है, अच्छा अरसलान भाई ये बताएं कि एवरशाइन हाइट्स जो है, मैंने भी वो देखा है सारे उसके अंदर, माशाल्लाह वो RDA अप्रूव्ड है, बहरिया से भी अप्रूव्ड है, बहरिया का एक प्रोसीजर है। सर प्रोसीजर ज़रा बताएंगे कि जो प्लॉट जब आप लेते हैं, क्योंकि उस पर बहुत पैसे लगते हैं, उसकी पता नहीं क्या क्या होता है ग्राउंड पे और रिसर्च होती है, और वो ज़रा थोड़ा बताएंगे क्लाइंट को। बहरिया बेसिकली अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि वो सॉइल टेस्टिंग जो कि मोस्टली पाकिस्तान में नहीं होती, बहरिया सॉइल टेस्टिंग बहुत कंपलसरी है। फिर उनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन स्पेशल उन्होंने डेडिकेटेड लोग रखे हैं जिनके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन अप्रूव होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं। फिर इसके सॉइल टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग में फिर वो ज़मीन की कैपेसिटी बता देते हैं, फिर उस अकॉर्डिंगली बहरिया हमें बताएगा कि इसको कितना डीप, हमें कितना उसमें मटेरियल, आयरन, सारे मामलात कितने करने हैं, आपने कितना डीप जाना है और कितना डिग करना है, कितना सरिया डालना है, कितने पिलर्स लगाने हैं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ये प्रोसीजर है। तो बहरिया एक ऐसा, एक वाहिद एक ऐसा सेक्टर है कि जो कंस्ट्रक्शन नहीं होने देता, अगर कोई गलत चीज़ बन रही है तो सलमान भाई मुझे ठीक कीजिएगा क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो बहरिया जो है गलत चीज़ नहीं बनने देता। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब वो सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो के प्रॉपर उसके रिजल्ट्स आते हैं, उस अकॉर्डिंगली फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसको कितना डीप जाना चाहिए, कितने पिलर्स, कितनी हाइट है बिल्डिंग की, उस अकॉर्डिंगली सॉइल के हिसाब से वो सारी चीज़ बताते हैं। फिर उसमें इवन ये भी बताते हैं कि इसमें सरिया और सीमेंट कितनी क्वांटिटी में डलेगा। अच्छा, यानी कि इतना वो उसको वॉच कर रहे हैं। बहरिया टाउन अपनी जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इनका ये प्रोजेक्ट है एवरशाइन हाइट्स के साथ। DHA से जब आप एंटर हों या बहरिया फेज़ में आप जहाँ भी एंटर हों तो आप देखेंगे कि ESPA के बोर्ड नज़र आएंगे।
तो हाईएस्ट एडवर्टाइजिंग जो इस वक्त हो रही है वो इस प्रोजेक्ट की, ये बिल्डर्स हैं मार्केट के, ESPA जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छा काम करें। दो कनाल का ये प्रोजेक्ट है, मॉल और रेजिडेंसी है, लोअर ग्राउंड है, और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल है। तो अरसलान भाई, ये क्यों कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल होना चाहिए? क्योंकि मैं तो एक इसमें ले मैन हूँ एवरशाइन, मैं तो समझता था ये सारा ही कमर्शियल होगा। क्योंकि बेसिकली वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है बहरिया डाउन फेज 8 का, और उसमें कंप्लीट बिजनेसेस सर्वाइव करेंगे। फिर उसमें ये है कि बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन हैं जो आउट सिटी से आते हैं बिज़नेस के लिए, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वहीं पे रेजिडेंस भी रखें। तो इसमें फिर ऑफिसेज, तो सर इसकी प्राइसेस वगैरह बहुत अच्छी हैं? इसकी प्राइसेस मार्केट कंपैरेटिवली हमने बहुत रीज़नेबल ऑफ़र की हैं। ठीक है अरसलान भाई, हमारी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो वर्ल्ड लेवल पे प्राइसिंग होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, आप बिल्डर हैं तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखें, और पाकिस्तानी पैसा और डॉलर, क्योंकि हमारी प्राइसेस सारी डॉलर में चली जाती हैं, पाकिस्तानी पैसे को हम मद्देनज़र नहीं रखते। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इकोनॉमिकल कुछ रखें प्राइसेस, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं, मैं बाहर के इन्वेस्टर से कहता हूँ कि प्लीज़ आप इन प्रोजेक्ट्स में आएँ, हवा वाली चीज़ें मत लें कि जी वो सोसाइटी है, वो प्लॉट बेच रही है, अभी सोसाइटी बनी भी नहीं है। और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे लीगल नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता कि जो हवा में चीज़ें बेच रहे हैं, ना कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, ना कोई कुछ हुआ है। ये एक रियल चीज़ है जो बन रही है, जो मौके पे है, और जो बन के तैयार हो के आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होने के चांसेस हैं। अरसलान भाई क्या कहते हैं डबल होने के चांसेस? बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अब जो है वो हाई राइज का ही ट्रेंड है, और हम मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो एक बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस पे ऑफ़र की जाती है, इंस्टॉलमेंट्स पे ऑफ़र की जाती है। तो जब वो कंस्ट्रक्शन में आएगी तो उस पर एक अच्छा जंप आएगा, 50-60% का अच्छा जंप आता है, जो कि प्लॉट्स में उस तरह से नहीं आता। जी, लेकिन जी, सर, ये एक्सप्लेन करें अरसलान भाई, ये आपने बहुत प्यारी बात की है कि जो जंप आ रहा है, क्योंकि लोग ये समझते हैं, क्योंकि मैं भी यही समझता हूँ कि भाई रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिए जाएँ, 10 प्लॉट ले लिए जाएँ 20-30 लाख के, और वो डंप कर दी जाए इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट आप उसका कंपैरिजन अरसलान भाई एवरशाइन हाइट्स में क्या कहते हैं कि उस इन्वेस्टर को प्लॉट्स में रहना चाहिए या इसमें आना चाहिए? अच्छा, ये मतलब अगर तो मतलब ये हम ज़्यादातर उसके लिए कहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स नहीं हैं, जो अपने लिए चीज़ लेना चाहते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स तो मार्केट में आपके सामने हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, तो सोसाइटीज़ और प्लॉट्स में अमूमन इन्वेस्टर्स का एक सर्कल होता है जिनका डिज़ाइंड होता है सारा कुछ, जो प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, अप एंड डाउन आते हैं, उसमें हर सोसाइटी में कुछ डेडिकेटेड लोग होते हैं। ये जो मैंने आपसे सवाल पूछा ना, मैं दोबारा आता हूँ सवाल पे, क्योंकि जो लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं या 10 प्लॉट ले लूँ 30-30 लाख के, 3 करोड़ के, या मैं अरसलान भाई के प्रोजेक्ट में एवरशाइन ESPA का जो प्रोजेक्ट है बहरिया में फेज 8 में, उसमें पैसे डालूं। तो आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैग्मेटिक अप्रोच रख के क्या कहते हैं कि विच इन्वेस्टमेंट इज राइट, आइदर प्लॉट्स और हाइट्स? असल में प्लॉट्स में जो है वो थोड़ा सा मतलब अनजस्टिफाइड होता है, मतलब उसका आइडिया नहीं होता कि वो क्या मूवमेंट होगी, उसकी अप एंड डाउन आएगा, क्योंकि अभी मार्केट सिनेरियो आपके सामने है, क्योंकि जब इन्वेस्टर बाहर निकलता है तो वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। अब हम स्पेसिफिक अगर एवरशाइन हाइट्स की बात करते हैं, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है हमारा जिस पे हम मॉल बना रहे हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अपोजिट साइड पर एक लेक बनेगी, ठीक है, माइट पॉसिबल 250+ कनाल की वो लेक है, जो फिर कल को बिजनेस का मरकज़ होगी, एक टूरिज़म स्पॉट भी बनेगा, ठीक है, और वहाँ पे बिजनेस भी पूरा, जिस तरह आप बिजनेस बेस वगैरह देखते हैं, ठीक है, बाकी सिटीज़ में, तो वो पूरा को पूरा बिजनेस जब वहाँ पे आएगा तो वो जगह बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और सामने अभी कितना आपका ये बन चुका है? अभी हमारा लोअर ग्राउंड फ्लोर पे काम हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहरिया कुछ रिक्वायरमेंट्स देता है, तो जो अंडरग्राउंड काम करना होता है, एक जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग नहीं होते उनको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो 6-7 महीने का प्रोसेस होता है, और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो अंडर द ग्राउंड होती है,
बाकी हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि प्रिज्म हाइट्स है, आपको पता है प्रिज्म, प्रिज्म भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहरिया से ही वो उसने जन्म लिया है और उसके बाद अब वो बहुत फ्लरिश हो गया है पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो प्रिज्म हाइट्स का एक प्रोजेक्ट है गुलबर्ग का, तो गुलबर्ग के अंदर वो काम कर रहे हैं और वो भी प्रोजेक्ट जो है आपको पता है प्रिज्म भी ESPA की तरह है, वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज काम करते हैं, पूरी पहले NOCs लेते हैं, जब पूरी NOCs हो जाती हैं फिर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो प्रिज्म वाले जो हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर्स हैं, लेकिन उनका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो प्रिज्म हाइट्स है गुलबर्ग के अंदर, जो कि अभी लेवल 5 पे कंस्ट्रक्शन जा रही है। ये CDA से भी अप्रूव्ड है और FBR एमनेस्टी स्कीम से भी अप्रूव्ड है। तो वहाँ जो बैरिया का जब मैंने इनका काम देखा प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म वाले भी बेसिकली ट्रेंड हैं मलक रियाज के, बैरिया के, लेकिन अब माशाल्लाह ये बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हैं और गुलबर्ग के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। तो प्रिज्म हाइट्स जो है, प्रिज्म आपको पता है एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है और वो बहुत ही नफीस काम करते हैं। आप उनके ऑफिस में जाएं तो आप ऑफिस देख के ही परेशान हो जाएंगे कि वो इस वक्त न्यूयॉर्क में या लंदन में या आप स्पेन में या पुर्तगाल में कहीं जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे, तो आप इंप्रेस नहीं होते उनके देख के। लेकिन अगर आप प्रिज्म के ऑफिस में ही जाते हैं और उनकी बिल्डिंग्स जब आप देखते हैं तो आप वाकई कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनका जो आर्किटेक्ट है ही इज़ अ वेरी क्लासिक मैन। सो आई एम प्रेइंग ट्राइब्यूट टू दैट गाय कि जो डिज़ाइन दे रहा है, जो कंस्ट्रक्शन तो फिर उसके बाद के लोग कर रहे हैं, जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो प्रिज्म वाले भी इस वक्त एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि बिगेस्ट प्रोजेक्ट है गुलबर्ग का हाई राइज के अंदर, और माशाल्लाह वो लेवल 5 के अंदर जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही डेडिकेटेड बंदे हैं, हमारे दोस्त हैं उस्मान अरसलान भाई, जानते होंगे उन्हें, बड़ा ही डिसेंट सा बच्चा है और बहुत ही डिसेंट काम कर रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। और मैं उनको कहूँगा कि इस वक्त मार्केट में कहूँगा कि गुलबर्ग में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप एग्जेक्टिव EF मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रिज्म हाइट्स है वो एक बहुत ही प्रॉपर NOC, प्रॉपर CDA अप्रूव्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू दैट बिल्कुल 100% उसके अंदर सिक्योर्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन्वेस्टर से कि प्लीज़ आप प्रिज्म हाइट्स के प्रोजेक्ट में आए गुलबर्ग ग्रीन का, जिसको CDA ने अप्रूव किया है। गुलबर्ग में कोई भी प्रोजेक्ट में जाएं, पहले पूछें कि आप CDA अप्रूव्ड हैं, अगर CDA अप्रूव्ड है नक्शा तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अगर CDA अप्रूव्ड नहीं है तो फिर आपको पता है कि गुलबर्ग में जो फर्स्ट का जो बिजनेस सेंटर्स हैं वो बड़े ही लोगों की इन्वेस्टमेंट 6 से 7 गुना इन्वेस्टमेंट हुई है। अरसलान भाई को पता है, जिन्होंने 1 करोड़ डाला था वो आप 10 करोड़ के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी शॉर्टें लगी हैं। तो इसके अंदर अभी प्रिज्म जो हाइट्स कर रहा है, मैं कह रहा हूँ लोगों से कि प्लीज़ आप आएँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वहाँ उस्मान है, उनका नंबर है 0303-552-3413। मैं रिपीट करूंगा उनका नंबर 0303-552-3413। प्रिज्म हाइट्स, आपको पता है फोरेंसिक आई जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेट करके प्रोजेक्ट की एडवाइस देती है, क्योंकि मैं खुद फोरेंसिक अकाउंटेंट हूं, इंग्लैंड से पढ़ के आया हूं मैं, फोरेंसिक्स में और अकाउंटिंग में मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। मैं पाकिस्तान की टॉप नॉट सोसाइटी के अंदर बैठता हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता, सिर्फ सजेशन देता हूँ लोगों कि इस वक्त मार्केट में क्या होने वाला है। जिस तरह इंग्लैंड में लोग पागल हो गए और उन्होंने घर खरीदने शुरू कर दिए, पॉइंट ये आया उस टाइम के भाई मार्केट कोलैप्स कर, हर मार्केट में इंक्रीज के बाद ट्रफ है, ट्रफ के बाद डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद फिर रिवाइवल है, रिवाइवल के बाद फिर बूम है, हर मार्केट के अंदर सर ये होता है। तो अरसलान भाई आप क्या कहते हैं कि आपका जो एवरशाइन हाइट्स है, अगर इस वक्त कोई बंदा 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया पार करता है इसके अंदर, तो आप उसको क्या सिक्योरिटी देते हैं? मतलब अब बेसिकली होता है इस तरह, जिस तरह आपने प्रिज्म के बारे में बात की कि अगेन वही चीज़ आ जाती है कि जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमने पहले सबसे पहले बैरिया की अपनी क्राइटेरियाज हैं, उसकी अप्रूवल्स होती हैं, आर्किटेक्चरल की होती हैं, लेआउट प्लान की होती हैं, उसके बाद फिर वो हम बेसिकली RDA से रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है, तो फिर उसके बाद अगेन वही सारी अप्रूवल्स जो हैं वो RDA के साथ होती हैं, फिर उसमें ये देखा जाता है कि जी प्लॉट फुली पेड है, कंपनी के नाम पे है, और अच्छा, उसके बाद फिर अच्छा, जब ये प्लॉट आपका फुली पेड है, जी फुली पेड है, और देखिए आप ये कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने से पहले ये पूरा प्लॉट 2 कनाल का मलक रियाज को फुली पेड किया है, ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं है, स्टोरी नहीं है,
कि भाई अभी किससे देनी है, पैसे मार्केट से आएंगे तो देंगे। ये ESPA जो है ये बहुत अच्छा ब्रांड है, देखिए ना उन्होंने बेस ही अपनी ठीक रखी है कि फुल सर आपने पेमेंट की है, माशाल्लाह फुल पेमेंट माशाल्लाह, और उसके बाद फिर वो जो प्रोसीजर है उसके बाद ओनरशिप कंपनी के नाम पे आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी सर इनका एक और प्रोजेक्ट भी है ESPA, आपको पता है बैरिया के अंदर इस वक्त एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है। आप जाएं उनके ऑफिस में, आप उनके उनके डिजाइनिंग देखें, उनका वर्क देखें, उनका लेआउट प्लान देखें, तो आप इंप्रेस हो जाएंगे कि यार वाकई इंग्लैंड में इतना अच्छा ऑफिस नहीं है, सेंट्रल लंदन में कोई इतना अच्छा ऑफिस नहीं है। और इसके अंदर जो उन्होंने काम किया है और उसके अंदर लेआउट प्लान किया है और ऊपर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो सर इनका एक और प्रोजेक्ट है जो कि गोल्फ एम्पायर, तो अरसलान भाई ये गोल्फ का लफ्ज़ आजकल बड़ा फेमस हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न? बेसिकली ये बहरिया गार्डन सिटी है, फेज 7 और 8 के बिल्कुल बीच में ये लाई करता है और इसमें एक गोल्फ कोर्स है और हमारे जो अपार्टमेंट, ये बेसिकली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और ये बिल्कुल गोल्फ कोर्स के ऊपर है, मतलब हमारे जो अपार्टमेंट्स होंगे वो गोल्फ फेसिंग होंगे, इस वजह से फिर इसका टाइटल गोल्फ एम्पायर किया गया है। ये भी फेज 8 में आता है, ये गोल्फ ये वाला नहीं है, मरी वाला नहीं है? नहीं, ये बहरिया के अंदर ही आता है, फेज 7 और फेज 8 के बीच में बहरिया गार्डन सिटी के नाम से। इस वक्त बहरिया गार्डन सिटी के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड के लोग रह रहे हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, जो मेरे दोस्त हैं बड़े हाई लेवल के, वो कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर बहरिया गार्डन सिटी के अंदर इस वक्त पोल्यूशन रेट बहुत कम है, इज इट ट्रू सर? बिल्कुल ऐसे है, और अगर यहाँ पे इस्लामाबाद में बहरिया की बात की जाए तो सबसे पोशेस्ट एरिया बहरिया का बहरिया गार्डन सिटी है। लोगों को अमूमन इसका नाम नहीं पता होता, लेकिन जब सिने गोल्ड सिनेमा एक बहुत मशहूर है बहरिया का, वो गार्डन सिटी में लाए करता है। और गार्डन सिटी बेसिकली उन्होंने प्रॉपर रेजिडेंशियल बनाया जिसमें बड़े विलाज हैं, 2 कनाल 3 कनाल, फिर और यहाँ पे बैक साइड पे उन्होंने गोल्फ के साथ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की हैं, जिस वजह से वहाँ पे पोल्यूशन शोर बिल्कुल रिड्यूस्ड है, वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लोगों को दे रहे हैं रेजिडेंस के लिए। क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो बहरिया इनक्लेव में, बड़ा नाम है उनका, मैं नाम नहीं लेता, तो वो भी मुझे कह रहे थे सलमान भाई मैं बहरिया गार्डन सिटी में रहता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता था कि ये बहरिया गार्डन क्या चीज़ है, फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि सलमान भाई ये बहुत पॉशस्ट एरिया है इस वक्त इस्लामाबाद पिंडी का और बड़ी इसमें क्रीम रहती है, तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गोल्फ एम्पायर जो ESPA एवरशाइन प्रॉपर्टी एडवाइजर एंड बिल्डर्स, दे आर बेस्ड इन फेज 8 और गोल्फ एम्पायर एक गोल्फ के कोर्स के सामने जो कि काफ़ी बड़ा रकबा है जो कि गोल्फ का ये बना रहे हैं, उसमें फुल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं और अभी इन प्रोसेस है, इन्होंने लॉन्च किया है और अभी वो फर्स्ट फेजेस में चल रहा है। जो इनका बेस्ट प्रोजेक्ट है वो एवरशाइन हाइट्स है, और सर ये आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक आप इसको डेवलप कर लेंगे? ये इंशाल्लाह 2023 के एंड तक हम इसको डिलीवर करेंगे, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टर से, इंटरनेशनल लोगों से कि सर आप प्लीज़ ये 2 नंबर सोसाइटियाँ जो एयरपोर्ट हाउसिंग न्यू एयरपोर्ट के पास जन्म ले रही हैं मशरूम्स की तरह, ठीक है, आए दिन इनके ऊपर छापे पड़े, आप प्लीज़ इनकी 100-100 फाइलें मत उठाएं, ये सब फ्रॉड है। आप इस तरह के प्रोजेक्ट में आएँ बहरिया के अंदर, देखें मेरे पास हर रोज़ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, हर रोज़ मुझे एक नई स्टोरी सुनते हैं कि जी हम पाकिस्तान गए, हमारे साथ ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। प्लीज़ आप जो है इन इंटरनेट की साइटों के ऊपर यकीन मत करें, आप रियल लोगों के पास आएँ, इनका ब्लू एरिया के अंदर ऑफिस देखें, इनका बहरिया फेज 8 के अंदर ऑफिस देखें, ये एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, प्रॉपर कंपनी है और एक प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इधर पार्क करें एटलीस्ट। अच्छा सर ये बताएं कि आपके प्रोजेक्ट में कोई मलक रियाज बहरिया में भी उनका नाम आएगा हाइट्स के अंदर? बेसिकली हम लाए उनकी टेरिटरी में करते हैं, फिर उन्हीं के रूल्स फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो फिर अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योर भी करते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी सिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत सारी। अच्छा, फिर हमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में, डिलीवरेंस में। अच्छा अच्छा, सोसाइटी की तरफ से, बैरियर डाउन की तरफ से, आपको इंग्लैंड का, यूके, अमेरिका का स्टैंडर्ड फॉलो करवाते हैं। बिल्कुल, चीज़ें उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखी हुई हैं जो हमसे फॉलो कराई जाती हैं, जिस वजह से मतलब सोसाइटी का नाम भी इसी वजह से बनता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज। बाकी मैं पूरे वर्ल्ड से कहता हूँ कि प्लीज़ जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, प्लीज़ ये आप 2 नंबर फाइलें मत लें, प्लीज़ आप
प्रिज्म हाइट्स में आए, गुलबर्ग ग्रीन में जो उनका प्रोजेक्ट है, बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द गुलबर्ग, उनके पास सारे एनओसी हैं, सीडीए का है, हर चीज़ उनके पास ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद हमारे पास फेज़ एट के अंदर है, क्योंकि भट्ट साहब भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, अरसलान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ये डिलीवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स इधर डालें और इनसे पूछें। और सर अगर एक और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए ये लाएं कि बैरिया के अंदर जो आपका डेड स्टॉक है कराची का, लाहौर का, जो नहीं बिक रहा, जो माइनस में जा रहा है, सर उसके बारे में एक गुड न्यूज़ है जो कि अरसलान भाई अभी आपको देने लगे। जी अरसलान, अच्छा इस तरह से है कि अगर कुछ लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कराची में है, क्योंकि बैरिया आपको पता है बहुत सारी सिटीज़ में है और लोग बैरिया को प्रेफर करते हैं, तो यहाँ से रह के वो कराची की प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, मुश्किलात होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वो देखी नहीं होती, तो इन केस वो हमारे पास आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम उनका वो वाला स्टॉक मर्ज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं पेमेंट्स के एवज। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो एडजस्ट होगा माइनस में, आप एटलीस्ट अपनी रकम रिकवर कर सकते हैं। तो बैरिया के आपको पता है जिस प्रीसेंट के कराची में बड़े प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी जगह प्रॉब्लम्स हैं, माइनस माइनस 40-50% पे फाइलें जा रही हैं, वो पता नहीं मलक रियाज से हमारा गिला है कि सर वो आपकी मैनेजमेंट ने क्या किया लोगों के साथ, लेकिन उनका सिला जो दे रहे हैं वो ये लोग दे रहे हैं, अरसलान भाई और दे रहे हैं। तो हमारी मलक रियाज से रिक्वेस्ट है कि सर इनको गिफ्ट करें कोई, ये आपके नाम के लिए फ्री में वो काम कर रहे हैं बगैर पैसे लिए, आपका माइनस का स्टॉक ये प्लस में कर रहे हैं। तो मेरी मलक रियाज साहब से, मेरी मैनेजमेंट से और मेरी अली भाई से और शाहिद कुरैशी साहब से और छोटे शाहिद से भी, छोटा शाहिद बहुत मस्तियाँ करता है लेकिन अच्छा बंदा है, लेकिन उन सबसे रिक्वेस्ट है इनकी मैनेजमेंट से कि भाई जान ये लोग जो हैं मलक रियाज के नाम को फिर उठा रहे हैं, कुछ ब्लैक शीप्स हैं बैरिया के अंदर जो गलत काम कर रही हैं, मैं उन पे नजर रख के बैठा हूं, लेकिन अरसलान भाई और ESPA हो गया, प्रिज्म हो गया, ये वाकई ही मलक रियाज के साथ ऑनेस्ट हैं और उसका प्रोजेक्ट देखिए कितनी बड़ी बात है कि माइनस की फाइल को ये प्लस में कर रहे हैं, अपने पे रिस्क लेके अपने प्रॉफिट को कम करके। तो सर आप हमारे हीरो हैं और पाकिस्तान के आप हीरो हैं, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने क्लाइंट से सर स्पेशली फॉरेन नेशनल के साथ, उसका पैसा जो है बहुत हलाल का है और वो बेचारा ऑलरेडी परदेसी है, तो उसके पैसे के साथ सर जरा प्यार करें। सबके पैसों से प्यार करते हैं जिन्होंने बाहर से कमाया, जिन्होंने पाकिस्तान में रह के कमाया। बाकी आपकी कोई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, आपके कोई घर है पाकिस्तान के अंदर, आप बेचना चाहते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं सर, उसकी जरा थोड़ा सा बता दें। ऐसे ही है, मतलब अगर आप कोई भी इन्वेस्टर है उसके पास प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास आता है, हमारे पास फॉर इंस्टेंस हमारे से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना चाहते हैं, तो हम वो प्रॉपर्टी एक अच्छी प्राइस पे हम उनसे ले लेंगे और हम उसको खुद से लिक्विडेट कर देंगे। इंग्लैंड के अंदर सेल और लीज बैक और मॉर्गेज की कहानियाँ हो रही हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आई थिंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि आप एक इन्वेस्टमेंट को पार कर रहे हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट में और उसकी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ हो रही है। कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं जो डेड हो जाती हैं, वो बढ़ नहीं रही होती, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप एवरशाइन हाइट्स के अंदर आएँ, आप प्रिज्म हाइट्स के अंदर आएँ, आप गोल्फ एम्पायर्स के अंदर आएँ। और बाकी अगर अरसलान भाई का हम नंबर भी, अभी अरसलान भाई अपना पूरा नंबर बताएं, अपना पूरे ऑफिसेज बताएं, एड्रेस बताएं। जी हम बैरिया टाउन फेज़ 8 में हमारा हेड ऑफिस है जो कि हब कमर्शियल में है, बैरिया टाउन हेड ऑफिस के बिल्कुल सामने, और ब्लू एरिया ऑफिस हमारा है मॉस्को प्लाजा में, मेन जिना एवेन्यू जहांगीर होटल के पास। ठीक है, तो बाकी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास आएँ, फोरेंसिक आई आपको पता है हमारा चैनल है, आप हमें बताएं अगर आपका कोई भी इशू होगा कहीं भी इन्वेस्टमेंट में। आपको पता है मलक रियाज के पास गए जो इन्फेक्टेड इन्वेस्टर थे, उनको हमने प्रॉफिट लेके दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बड़ी नॉमिनल सी प्राइस पे हमने काम करते हैं लोगों के लिए जो गिरे हुए, तो उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एवरशाइन ESPA के पास आएँ। ESPA इज़ अ गुड ब्रांड, प्रिज्म हाइट इज़ अ गुड ब्रांड। एंड सर हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगे कि हम कैसा काम कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सलमान साहब, मतलब एक अवेयरनेस जो के बगैर किसी रीज़न के, किसी गर्ज के एक अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर। थैंक यू।